सेट लीडर जियांग दूई कहता है, जो कि एक हेड डिसिपल है। हाँ, जियांग चांग कहता है, जो कि कुछ जरूरी कागजों पर काम कर रहा है। हमें लाश मिल गई है, सेट लीडर जियांग दूई कहता है। इस पर जियांग चांग बिल्कुल थम सा जाता है। उसके भाई की लाश मिल गई, उसके वी वुजान की लाश मिल गई, जियांग चांग ये सोचने लगता है। फिर वह खड़ा होता है और दूई की तरफ आगे बढ़ता है। चलो, सेट लीडर जियांग कहते हैं। जियांग चांग एक कमरे में एंटर होता है। वे एक तहखाने में खड़े हैं। जियांग चांग उस लाश की तरफ आगे बढ़ता है। जियांग चांग लाश के ऊपर के ढके हुए कपड़े को हटाता है। जियांग चांग सोचने लगता है कि हाँ, ये उसके भाई का शरीर है, हाँ ये उसके भाई का ही चेहरा है, ये उसके भाई की ही लाश है। एकांत, जियांग चांग कहता है। तहखाने में जितने भी लोग उपस्थित थे वे वहां से चले जाते। जियांग चांग ही उस तहखाने में बचा रहता है। सभी लोगों के चले जाने के बाद जियांग चांग अपना हाथ अपने भाई के हाथ पर रखता है। वहां पर कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। उसे वी वुशान की दिल की धड़कन महसूस नहीं हो रही थी। फिर जियांग चांग अपने भाई के चेहरे को छूता है। कोई मुस्कुराहट नहीं, कुछ भी नहीं। उसका भाई। और ये सोचते सोचते जियांग चांग रोने लगता है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। वह अपने भाई के शरीर को अपने हाथों में लेता है और फिर उसे गले से लगा लेता है और फिर रोता रहता है, चिल्ला चिल्ला कर रोता है, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। जियांग चांग तहखाने से बाहर आता है, ना जाने कितनी देर बाद। जियांग चांग का चेहरा रो रो कर सफेद हो गया था। अंतिम संस्कार की तैयारी करो, पुजारी को बुलाओ, हम आत्मा की शांति की पूजा भी करेंगे, जियांग चांग अपने हेड डिसिपल से कहता है। जियांग चांग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से रोने वाला है, लेकिन वह नहीं रोया और अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। एडी कहते हुए युआन जियांग चांग की तरफ दौड़ रहा था। जियांग चांग ने पहले तो कोई भी ध्यान नहीं दिया, जैसे वह भूल ही गया हो कि वह अब एक पिता है। लेकिन फिर युआन जियांग चांग के पैर को पकड़ लेता है और फिर जियांग चांग युआन की तरफ देखता है। एडी, मेरी बॉल पानी में चली गई है, युआन कहता है और अपनी उंगली से तालाब की तरफ इशारा करता है। बाबा ने कहा था कि बड़े तालाब के पास मत जाना, युआन कहता है। जियांग चांग बॉल की तरफ देखता है और फिर युआन की तरफ देखता है। उसका भाई मर चुका है, उसका पूरा परिवार मर चुका है और अब यह बच्चा उसे पिता कह रहा है। उसे तो अपने पिता का प्यार कभी मिला नहीं और उसकी माँ ने भी कभी उसे वैसे नहीं देखा जैसा वह है। और ये बच्चा कितना मासूम है। अगर उसने इस बच्चे को वह प्यार नहीं दिया जिसका हकदार हर एक बच्चा है, तो एक दिन यह बच्चा भी वैसा ही महसूस करेगा जैसा जियांग चांग महसूस करता था और महसूस करता आया है। जियांग चांग अपने पिता की गलती को कभी नहीं दोहराएगा। यह सोचते हुए जियांग चांग युआन को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वह उस बड़े से तालाब की तरफ बढ़ता है जिसके ऊपर जियांग चांग इशारा कर रहा था। वह एक नौकर को बुलाता है और उससे बॉल लाने के लिए कहता है। जियांग चांग वहीं खड़ा रहता है किनारे पर युआन के साथ और नौकर एक लकड़ी की मदद से बॉल को निकाल लेता है। फिर नौकर वह बॉल जियांग चांग को देता है और जियांग चांग वह बॉल युआन को दे देता है। यह देखकर युआन मुस्कुराने लगता है। जियांग चांग
युआन को अपनी गोद से नीचे खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन युआन जो है वो जियांगचांग को टाइटली पकड़ लेता है। नहीं एडी, ऐसा वह कहता है। जियांगचांग पहले से ही बहुत उदास था और आज ना जाने कैसे वह युआन को एक नई रोशनी में देख रहा था। इस बच्चे ने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बचा है, और जियांगचांग इस बच्चे को इतना प्यार देगा जितना कभी उसके फादर ने उसे नहीं दिया। जियांगचांग फिर से युआन को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब वह अपने कमरे में अंदर आता तो वह लान वांजी को स्टडी टेबल पर बैठा हुआ देखता है। लान वांजी कुछ लिख रहा था। जब जियांगचांग कमरे में एंटर हो रहा था तो वांजी उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वह युआन को उसकी गोद में देखता है और यह देखते ही वह चौंक जाता है। फिर जियांगचांग युआन को ज़मीन पर खड़ा कर देता है। जियांगचांग युआन से कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता से कुछ बात करनी है, जाओ बालकनी में खेलो, ठीक है? पर बाबा, युआन कहता है, नहीं, ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। युआन एक अच्छा बच्चा है, वह हमेशा अपने पिता की बात मानता है ना? ऐसा जियांगचांग कहता है और युआन जियांगचांग की बात को समझ जाता है उसके चेहरे पर सीरियसनेस देखकर। फिर जियांगचांग लान वांजी की तरफ देखता है। जियांगचांग लान वांजी से कहता है कि हमें लाश मिल गई है। लान वांजी जियांगचांग की तरफ कन्फ्यूजली देखता है, लेकिन फिर जियांगचांग एक गहरी सांस छोड़ता है। हमें वीवुजियान की लाश मिल गई है, जियांगचांग कहता है। अब लानवांजी अचंभित हो जाता है, लेकिन फिर से वह साधारण दिखने लगता है। लानवांजी जियांगचांग की तरफ आगे बढ़ता है। कहाँ पर? लानवांजी पूछता है। पीछे वाले तहखाने में, मैं उसकी आत्मा की शांति की पूजा करने वाला हूँ और फिर उसके बाद दाह संस्कार। तुम चाहो तो उससे पहले उसे एक बार देख लो। जियांगचांग की बात सुनकर वांजी जल्दी से अपने कमरे से निकलकर पीछे वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। जब वह पीछे वाले तहखाने में पहुंच जाता है तो वह उस कमरे में अंदर आता है और उसे एक लाश दिखाई देती है। कुछ लोगों ने वीइंग के कपड़े बदल दिए थे, अब उसने नए कपड़े पहने हैं। लान वांजी वीइंग की तरफ देखता है और फिर उसके बाद जेंटली वीइंग का हाथ टच करता है। वहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, वीइंग सच में मर चुका था। फिर वह अपना हाथ वीइंग के दिल पर रखता है, वहाँ पर कोई भी हरकत नहीं थी। यह सब देखकर वांजी की आंखों से आंसू बहने लगते। वांजी ज़मीन पर गिर पड़ता है और वीइंग को अपने हाथों में ले लेता है और रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन आंखों से आंसू की गंगा बहती जा रही थी। फिर वहाँ जियांगचांग भी आ जाता है और कहता है कि अंतिम संस्कार का समय हो गया है। वांजी वीइंग को टाइटली गले से लगा लेता है, लेकिन फिर उसके बाद वह हाँ में से हिलाता है। जियांगचांग वीवुजियान के पास खड़ा हो जाता है और उसके हामफू में जियांग टसल बांधता है। जब वह टसल बांध रहा था तब वह वीइंग के हाथ को छूता है, लेकिन जब वह ऐसा करता है तो उसे कुछ महसूस होता है। वह वीवुजियान का कोर महसूस नहीं कर पा रहा है। वह थोड़ा घबरा जाता है और फिर उसके बाद वीवुजियान के कपड़े खोलने लगता है और उसकी छाती पर एक निशान देखता है। यह तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा उसकी छाती पर है, वह ऐसा सोचने लगता है। और फिर उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है। वीइंग डिस्पेयर हो गया था, फिर उसके बाद उसका कोर रिपेयर हुआ और उसके बाद से उसने वीइंग को एक भी बार नहीं देखा। और जब वीइंग वापस आया
तब वह काली शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा था। उसने अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेना बंद कर दिया था। अजीब तरीके से बिहेव करता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जियांगचैन ये कहते कहते अपने कमरे की तरफ भागने लगता। लानवांजी जितनी देर से जियांगचैन के इस अजीब व्यवहार को देख रहा था, जियांगचैन के पीछे पीछे चलने लगता है। वे दोनों कमरे में आते हैं। जियांगचैन वी वुजियान की तलवार को अपने हाथ में लिए था। वह उसे खोलता है, लेकिन ये तलवार तो बंद हो गई थी ना, ये तलवार खुल कैसे गई और मैंने इसे कैसे खोल दी? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वह बार बार ये सोचने लगता है। लानवांजी सेक्लीडर जियांग का घबराता हुआ चेहरा देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और पूछता है, सेक्लीडर जियांग? जियांग चांग कहता है कि ये बंद हो गई थी, फिर ये खुली नहीं। और ये कहते कहते जियांग चांग जमीन पर गिर पड़ता है। वह बहुत ही ज़्यादा शौक में था। जियांगचैन की ऐसी हालत देखकर वांजी थोड़ा सा घबरा जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है और फिर वह तलवार को देखता है। जियांगचैन लान वांजी की तरफ देखता है। वह उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से तो शब्द बाहर ही नहीं आ रहे हैं। वांजी जियांगचैन के बाजू में आकर बैठ जाता है। वांजी तलवार को फिर से उसकी म्यान में रख देता है और फिर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह तलवार वांजी के हाथों से नहीं खुल रही थी। यह देखकर लानवांजी जियांगचैन की तरफ देखने लगता है। जियांगचैन लानवांजी से कहता है कि मेरा कोर डिस्ट्रॉय हो गया था, उसे वीन ज़ुलुलू ने डिस्ट्रॉय किया था। विभूषण ने कहा था कि भाषण सरन उसे ठीक कर लेंगी, मैं और वो साथ में ही उसे रिपेयर करवाने गए थे, लेकिन जब मैं पहाड़ से नीचे उतरा तो वहाँ विभूषण नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा था। नहीं नहीं, लानवांजी ऐसा कहने लगता है। बाबा, युआन कहता है। वांजी देखता है कि युआन अब कमरे में आ गया है। वांजी युआन की तरफ देखता है और युआन उसकी तरफ दौड़कर आ जाता है। बाबा, मुझे भूख लगी है, युआन कहता है। वांजी इस पर हाँ में सिर हिलाता है। वह युआन को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। इस सब के बाद वे कोई भी बात नहीं करते। जियांगचैन अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है। वह वी वुजियान का अंतिम संस्कार करता है और फिर आत्मा की शांति की पूजा भी करता है। उन दोनों का दिल भारी हो रहा था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है।